हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। कौन? जी। ख्वाजा अयाजुद्दीन साहब बोल रहे हैं हाँ 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 बोलो बोले। जी। मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से हाँ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सब खैरियत से हैं आप? किसने नंबर दिया आपको? मेरा नंबर किसने दिया? व्हाट्सएप व्हाट्सएप से मिला से मिला? किस जी। साइट से बात करनी है आपको? नहीं, भाई ने नंबर दिया था, बोले थे कि ये इनके कुछ इश्कालात हैं हाँ, अहले सुन्नत को लेके। नहीं, मैं अहले सुन्नत जमात से ही हूँ। आप तो बरेलवी जमात से है ना? हाँ, वही बरेलवी अहले सुन्नत से मिलती है ना जमात। भाई, देखिए, अच्छी बिदत आपके वहाँ होती है ना, तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बिदत करने वाला होता है अच्छा बिदती, वो अहले सुन्नत नहीं होता है। अहले अच्छा, सुन्नत तो वो होते हैं जो जो सुन्नत पे अमल करते हैं। अच्छी लेकिन ये बिदत पे अमल डेफिनेशन करने क्या, वाला तो अच्छा बिदती होता है। ये डेफिनेशन कहाँ से होता है आपने? तो भाई, ये तो मेरे भाई एकदम साफ साबित हो रहे हैं ना भाई, कौन से सुन्नत पे उसमें अमल करने वाला अहले सुन्नत और अच्छी मुराद तो बिदत वही पे अमल होती है करने ना, वाला अच्छा बिदती। क्या मुराद तो वही होती है ना, अच्छी बिदत मुराद? मतलब नहीं, सुन्नत पे मुराद अमल से कुछ करना। नहीं होता है। अच्छा, अच्छी बिदत का माना होता है माजल्ला सुन्नत। अच्छी तौबा बिदत, तौबा। बिदत जिससे इस्लाम को कोई नुकसान ना नहीं, हो, दीन इस्लाम को से बिदत को नुकसान ना हो, नुकसान होता ही होता है, चाहे बिदत वो बुरी अच्छी भी हो, होती है चाहे ना। बुरी हो, चाहे काली हो, चाहे पीली हो। अच्छा, ये सब आप तो घर से निकला डेफिनेशन। भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, कुल्लु बिदतिन जलाला। और हाँ जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि तमाम बिदतें गुमराही हैं, तो फिर क्या हाँ अच्छी, क्या बुरी, क्या काली, क्या पीली, क्या नीली, क्या हरी? अच्छा, ठीक हाँ, है, नबी से बढ़ के कोई नहीं ना भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नबी के ऊपर तो हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, तो हमारे नबी ने कह दिया कुल्लु बिदतिन जलाला, तो बस बात फिर खत्म हो गई, फिर खत्म हो उसमें गई, अपनी अकल हम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। बोलिए। तो यही है कि भाई बताइए, अहले सुन्नत में आपको क्या कुछ इश्काल हैं, एतराजात हैं, या आप हमें बातिल समझते हैं, या गुमराह समझते नहीं, हैं, मुझे या अहले सुन्नत में कोई गुस्ताखे? प्रॉब्लम नहीं है। अहले हदीस से प्रॉब्लम है, देवबंदी से है, और अहले हदीस को अहले अपने सुन्नत आप नहीं मानते माजल्ला? भाई नहीं, अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है, वो तो देखिए खुद यार, मेरे क्लेम भाई करते हैं यार। ख्वाजा हाँ भाई, आपने ऐसी बात कर दी कि अब नहीं, अहले हदीस अलग है यार, ये तो आम मतलब बात ये बात अल्लाह के वली को नहीं मालूम थी, आपको पता चल गई? भाई, पीरों मतलब। के पीर, पीरानी पीर, शेख अब्दुल कादिर, ठीक है, जिलानी जिलानी, रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आप गौसे हाँ। पाक कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब बुनियतुत तालबीन के जिल्द 1 और सफा नंबर 166 पे पहले बयान कर दिया, अहले सुन्नत का जो नाम है वो है असाबे हदीस, अहले हदीस। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही हैं। अब आपके नजदीक अलग अलग कर दो, तो हदीस इसका का मतलब मतलब आज तो ये अल्लाह होता बल्ला है ना के भाई, वली कम से कम उसको साजी एक हो। लाख हदीस याद होना चाहिए सनद के साथ, ये कहाँ लिखा हुआ कसम। है? ये तो मैं बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना हूँ। देखिए, अहले हदीस भी भाई वो दो होते हैं, एक होता है हाँ आलिम बिल हदीस और एक होता है आमी बिल हदीस, अच्छा, ठीक है। जिसको हदीसें याद हैं वो भी अहले हदीस है, लेकिन वो आलिम बिल हदीस है, और जो लोग अच्छा मेरे पे कुरान हदीस को फॉलो करते हैं वो आमी बिल हदीस है। तो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप भाई उसको पूछिए, अपनी अकल से फतवा ना लगाइए कि नहीं, मैंने अहले अभी तक सुन्नत कोई अलग फतवा होता है, नहीं अहले दिया हदीस है अलग ना, होता है। मैंने कोई फतवा नहीं दिया अभी तक किसी से। ठीक भाई, इंसान की जो बात होती है, मानना होता है, उसके नजदीक उसी को फतवा बोलते हैं। है, अच्छा वो बता दो। मैं सुना रिटर्न से होता है, और तो रहता है किसी के स्टैम्प पैर पे दिया जाता है। हाँ, मुफ्ती को होता है, वो फतवा देता है किसी मसले के ऊपर। किसी को इल्म नहीं, अगर वो बात बोल दिया तो फतवा थोड़ी होगा, उसके हाँ, बाद तो इल्म यही का चीज। वो मजायरा चलिए ठीक है, होगा, इसको चलिए ठीक है, आपने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी इसलाह कर सही ली, इतना ही हमारे लिए बहुत है। है ना? हाँ, तो माशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो ठीक है, इंशाल्लाह यही हमको बताना था कि भाई अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही हैं, हम माना है, और आपको भी हम दावत दे रहे हैं कि बातें लगाए छोड़ के आप भी अहले सुन्नत बनिए। तो मैं अभी तक मेरा मसला ही नहीं पूछा, और कैसे मान रहे हो अभी आपने बोला बाकी ना है। मैं तो बरेलवी हैं, तो बरेलवियों को तो हम अच्छे से जानते हैं अहले ना। सुन्नत भी बोला हूँ ना। अहले सुन्नत बरेलवी नहीं है हाँ, भाई, वो आपको लगता है ऐसा? ऐसा लगता नहीं है, उनके अमल तो साबित है ना भाई, अच्छी अच्छा, बिदत हमका करने वाला अच्छा ये बिदती बताइए होगा आपको, भाई साहब मुझे ये बताइए कि जी। हमको हदीस पे अमल करना है कि सुन्नत पे अमल करना है? लीजिए, बच्चों वाली बात आपने कर दी, नहीं, पूछो यार, सवाल नहीं करूँ, दोनों सबको भी एक ही है सवाल ना करोगे? भाई। नहीं, अल्लाह के कैसे हो नबी सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, तो ये सुन्नत है। और ये सुन्नत सुन्नत हमें पता कहाँ से चली? ये हमको मेरे भाई है हदीस पता से, चली हदीस शरीफ से, बिल्कुल। तो सुन्नत तक और पहुँचने का जरिया हदीस है, तो अच्छा, दोनों एक ही हैं। देखिए, मतलब हर हदीस पे अमल करना है। नहीं, जिनसे अमल साबित होगा। अब जिसमें कोई वाकिया उतरा हुआ है, ठीक है, जिसमें कोई भाई वो
एक तरीके का मौजजा है। अब जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े तोड़े, तो अब ये कोई कोई उम्मत के लिए सुनना थोड़ी ना है, नहीं है। हाँ हदीस है, तो अभी तो आप बोले हर हदीस पर अमल करना है। अरे हदीस देखिए, अब अपना जुमला आप हमारे मुंह में नहीं, आपने पूछा तो आपने हाँ बोला, कहा कि हर हदीस पर अमल करना है, जिन हदीस से अमल साबित होगा उस पर अमल करना है ना। अच्छा हाँ अच्छा, ये बताइए मुझे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी की नमाज बा जमात पढ़े हैं भाई? ये जो आप जो अल्फाज ये ले रहे हैं ना तरावी, हाँ, ये तो बाद में मेरे भाई जो मुहद्दिसीन है उन्होंने समझाने के लिए उसको भाई उतारा था। इसका एक्चुअल नाम है कयामुल लैल, यानी कि रातों में भाई वो नमाज पढ़ना, कयाम करना। हाँ वही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रात की नमाज ये फर्ज थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 2012, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आपने ठीक है रमजान के आखिरी मतलब जो आखिरी होते हैं 10 दिन, उसमें 3 रातें ठीक है जमात से तरावी पढ़ाई, चौथे दिन आप इसलिए बाहर नहीं आए कि अल्लाह ताला इसको फर्ज ना कर दे। नहीं लेकिन जहाँ तक हदीस से मैं पढ़ा हूँ, ये तरावी की जमात से तो शुरू करने का सिलसिला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ है। झूठ है भाई, भाई हदीस है, मैं भेजू आपको व्हाट्सएप पे, झूठ है झूठ, कैसे बोल सकते, किसने? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी बाद जमात कभी चालू ही नहीं कराई। मैं हदीस से साबित करूँ आपको? चलिए दीजिए हदीस दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको भेजता हूँ, यही व्हाट्सएप है आपका भाई, वो भेजेंगे आप। आप बताइए ना, मैं क्या मोड पे हूं, काम कर रहा हूं, इसके लिए प्रॉब्लम हो है, मैं ऑन ड्यूटी हूं। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 रातें रमजान में भाई वो अपने जमात के साथ अदा की नमाज, इसी अमल को अगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में फिर से चालू करवा दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं लेकिन हुक्म नहीं था ना नबी का, आपने बोले की अजवा जमात 20 रकात नमाज पढ़ाओ, कहाँ हुक्म था? 20 रकात तरावी साबित ही कहाँ है भाई? मैं बोल रहा हूँ ना 20 रकात है साबित, 11 रकात है। देखिए मौत्ता इमाम मालिक में 2 हदीसें आती हैं, एक आती है 20 रकात वाली है और एक आती है 11 रकात वाली। 11 रकात वाली सही है और 20 वाली भाई वो ज़ईफ़ है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वो खुद फरमाते हैं ज़ईफ़ है। और यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद ठीक है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खुद कहा है कि जो रात की नमाज है कयामुल लैल वो 11 रकात साबित है। अच्छा हाँ, अल्लामा ऐनी हनफी और पता नहीं कौन कौन से अच्छा। जो हनफी आलिम है सब मानते हैं। हाँ 20 रकात अगर कोई पढ़ लेता है तो ये जायज है, कोई हराम नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर कोई कहता नहीं 20 रकात ये सुन्नत है, नहीं, तो सुन्नत नहीं है, हदीस से साबित है भाई, वो हदीस है 20 रकात तरावी के ऊपर 14 हदीसें मेरे भाई पेश करते हैं हनफी भाई लोग, और वो 14 की 14 हदीसें मेरे भाई उलमाए मुहद्दिसीन पे ज़ईफ़ है। इज्मा है जनाब, बड़े बड़े इज्मा मेरे भाई हवा में हो जाता है क्या आप लोग के वहाँ जनाब? इज्मा बड़े बड़े मुहद्दिसीन का है, कहाँ निकल हुआ है ना? ताबईन का है, तबे ताबईन का है इज्मा, कहाँ पे अमल किया है तो यार ताबईन तबईन का इज्मा रहेगा ही ना। अच्छा सहाबा ने 20 रकात पढ़ी और मेरे भाई, हाँ तो हजरत उमर जब शुरू नहीं चला, नहीं सहाबा से मैं बताऊंगा ना आपको, हदीस भेजता हूँ ना इंशाल्लाह आपको। भाई देखिए आप तो ये जो कॉपी पेस्ट वाली हदीस भेजेंगे ना उनका सबका जवाब दे चुके हैं, अगर कोई मुंह से कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए भाई, अगर मुंह से बता सकते हैं कोई हदीस आप इस वक्त का नहीं हूँ मैं गालिब इल्म हूँ, आप भी तो ऑफिस में काम करते हो ना, तो भाई ऑफिस में काम करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे भाई हम आपको झूठी हदीस बता देंगे। फिर नहीं ऑफिस में काम करने का क्या ये मतलब है, ये लाइसेंस हमको मिल जाएगा कि हम मतलब बहानेबाजी करने के लिए झूठी हदीसें आपको पेश कर दें? वही मुंह जबानी याद करते, कहने का मतलब ये है मैं इंसल्ट का नहीं हूँ ना, तालीम मुफ्ती हूँ, मतलब तालीब पार्ट टाइम भाई, तालीम तो हम भी हैं लेकिन हम तो टाइम मिलता तो उसमें रजिस्ट कर लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है जो तरावी है और तहज्जुद है ये दोनों को हमारे हनफी भाई मानते हैं अलग अलग, जबकि एक्चुअल में भाई ये एक ही नमाज के दो नाम है। अच्छा तहज्जुद भी एक है तरावी भी, यस किसी हदीस से आप साबित कर सकते हो? हाँ मुहद्दिसीन के कॉल से, अरे हम अम्मी आयशा की हदीस आपको दे रहे हैं भाई, देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 जब कंटिन्यू आप पढ़ेंगे 4-5 हदीसें, सारी हदीसों को जमा करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रात की नमाज है कयामुल लैल ये एक ही नमाज है, वक्त के एतबार से इसके जो नाम है चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप भाई वो रमजान के महीने में
ईशा के फौरन बाद अगर आप पढ़ते हैं नमाज और हर चार चार रकात के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, इतना आराम करते हैं कि रीढ़ की हड्डियों को सुकून पहुंच जाए, तो इसको उर्फे आम में इसको बोलते हैं तरावी। इसी रात की नमाज को अगर आप भाई रात के आखिरी पहर में पढ़ते हैं तो इसको उर्फे आम में कहते हैं तहज्जुद। और इसी रात की नमाज को अगर आप रातों की जो मतलब जो आपने नमाज पढ़ी उनकी जो तादाद है रकातों की उसको ताक अगर करने के लिए ऑड करने के लिए अगर कोई नमाज पढ़ते हैं तो इसको उर्फे आम में कहते हैं वित्र। तो ये तरावी तहज्जुद वित्र ये कयामुल लैल ही है, बस वक्त के एतबार से इसके जो नाम है चेंज हो गए हैं। लेकिन हनफी भाइयों के वहाँ क्या है, तीनों नमाज अलग अलग है, तरावी अलग है, तहज्जुद अलग है, वित्र अलग है। आपने जो बताया मुझे भी एक्सप्लेनेशन, वो ऐसे कौन सी किताब में लिखा हुआ है ये सब अभी बताया ना, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2012 से लेकर 2017 तक सारी हदीसों में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं देखूंगा डायरेक्टली। माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मतलब इसके ताल्लुक से कहती हैं, उनसे एक सवाल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज का क्या मामला था। तो माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमजान हो या गैर रमजान हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इसमें क्या रहा है, चाहे वो रमजान हो चाहे भाई वो कोई और महीना, यानी कि पूरे साल अल्लाह के नबी का जो अमल था वो रात की नमाज का था, कोई तरावी तहज्जुद और वित्र अलग अलग नमाजों का नहीं था। वरना अम्मी आयशा मतलब बताती ना कि हाँ रमजान में पहले 20 रकात तरावी पढ़ते फिर उसके बाद सो जाते फिर सो के उठ के तहज्जुद पढ़ते फिर उसके बाद वित्र पढ़ते, नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्यों एक साथ 20 रकात नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू किया? अच्छा भाई एक चीज बताइए, झूठ की दलील आप हमसे मांग रहे हैं? झूठ की दलील नहीं दूंगा मैं, हदीस के साथ दूंगा। अच्छा चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो डेली कहा कि 7 रकात नमाजें फर्ज है, आप इसकी दलील दीजिए। 7 रकात मैंने कहा बोला 7 रकात? नहीं हम आपसे बोल रहे हैं ना, ये कोई बात नहीं, कोई लॉजिकल बात है, यही तो लॉजिकल। आप भी जब 20 रकात साबित ही नहीं है तो जबरदस्ती सवाल उस पर क्यों? अच्छा उमर रजी अल्लाह तआला नू से एक भी दुनिया में सही हदीसी मौजूद नहीं है जिसमें 20 रकात तरावी का जिक्र हो, जबकि मौत्ता इमाम मालिक में जो हदीस आई है वो 11 की भी आई है और 20 की भी आई है, एक ही हदीस की बुक में दोनों हदीसें आई हैं और एक ही मुहद्दिसीन जो उसको जमा कर रहा है वो खुद बता रहा है कि 20 रकात वाली जो है वो ज़ईफ है और जो ये 11 रकात वाली है वो सही है। तो अब हमें मेरे सही गलत किसने कहा? मौत्ता इमाम मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तमाम मुहद्दिसीन हनफी उलमा सबने मेरे भाई कहा है कि 11 रकात वाली हदीस सही है। अच्छा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबै बिन काब को और तमीम अद्दारी को ठीक लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ने के लिए इमाम बनाया। अशरत अरबी में जो अल्फाज है वो है अशरत रकात, यानी कि 11 रकात 8+3 या 2+1। तो अब रमजान में कितनी पढ़ते हो तरावी? 11? हाँ हम तो मेरे भाई अगर टाइम होता है तो भाई हम 24 भी पढ़ लेते हैं, नहीं टाइम होता है तो कम से कम भाई वो 11 तो पढ़ते पढ़ते हैं। इत्तेफाक तो लोगों का 11 और 20 के अंदर है, अब 24 ही चलेंगे। अरे आप 200 पढ़िए ना, इसमें इत्तेफाक की कोई बात ही नहीं है, ये नफली नमाज है, आप रात भर पढ़िए जितना पढ़ेंगे उतना सवाब मिलेगा। लेकिन ये अमल तो हमको हमारे बुजुर्गाने दीन से उठाना है ना, तो नहीं नहीं बुजुर्गाने दीन की मेरे भाई वो नमाज कहाँ पढ़ते थे, फिर नफिल कैसे चलेगी, कैसे चलेगा ये नफिल नमाज? भाई देखिए बुजुर्गाने दीन वो बेचारे मेरे भाई नहाते नहीं थे, नंगे पड़े रहते थे, नंगा बाबा बन जाते थे, जो डुप्लीकेट मेरे भाई बुजुर्ग हैं हम उनके दिन पे नहीं चलते। बात नहीं कर रहा वो फेक वालों की, बात नहीं कर रहा मैं, ओरिजिनल जो मेरे भाई जो है हमारे बुजुर्गाने दीन वो है अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तमाम सहाबा इकराम। तो ये कैसे पढ़ते थे? ये रमजान को रातों में कयाम के जरिए इबादत करते थे। कितनी करते थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो इबादत है ये नफिल है, तुम्हारा जितना मन हो करो, जब तुम्हारा जी उब जाए तो अपना उसको रोक दो। लेकिन अल्लाह के नबी का अमल क्या था? वो था मेरे पे 11 रकात। अगर आप चाहे तो 11 पढ़े, चाहे मेरे पे 200 पढ़े, चाहे रात भर पढ़े, दोनों भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मुझे लॉजिक से समझ में आ रहा है, जब नबी हमारे 11 पढ़ चुके हैं तो फिर हम मर्जी चला कर उसको एक्सटेंड क्यों करने का? तो 11 नफिल है ना, नबी नहीं छूट दिए ना कि ये नफिल इबादत है, जितनी तुम्हारी ताकत है मर्जी है, अपना तुम एडजस्ट करो, पढ़ो आराम से। अब कोई इंसान है मानिए उसने 11 पढ़ ली,
अब उसके पास टाइम भी है और मन उसका कर रहा है पढ़ने के लिए, तो क्या भाई वो कह देगा नहीं भैया ज्यादा पढ़ लेंगे तो माशाल्लाह क्या हराम हो जाएगा? नहीं, उसकी जितनी मर्जी पढ़ेगा। और रमजान के महीने में तो हर आदमी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, खूब नेकियां कमाए, खूब तौबा करे, खूब अल्लाह के सामने रोए, तो इंसान मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इबादत करता है। लेकिन अगर उसको ऐन मेरे भाई सुन्नत पे अमल करना है तो भाई वो 8 रकात अपना पढ़ ले कयामुल लैल और 3 रकात वितर पढ़ ले, या वो मेरे भाई दो दो करके 10 रकात पढ़ ले कयामुल लैल और आखिर में 1 रकात वितर पढ़ ले, मतलब कुल मिला के 11 की तादाद आपको पहुंचाना है। लेकिन एक चीज और, अगर कोई 20 पढ़ लेता है तो वो हमारे नजदीक जायज है, हम उसको हराम नहीं कहते। 20 रकात पढ़ना भी जायज है, 200 पढ़ना भी जायज है, 400 पढ़ना भी जायज है, जितनी ताकत है आप उतनी पढ़िए। लेकिन ये ना कहिए कि ये 200 और 20 और 400 ये उमर रजी अल्लाह तआला की सुन्नत है, नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। तो फिर आप लोग को क्यों ऑब्जेक्शन देता है जब बरेली 20 रकात पढ़ते हैं रमजान में तरावी, फिर क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं? हमें उनकी 20 रकात पढ़ने पे आपत्ति नहीं है, वो जो 20 रकात का नाम जो माशाल्लाह किसी सहाबी के ऊपर झूठ बांध देते हैं हमें उससे आपत्ति है। हम तो कहते हैं आप 20 नहीं, आप मेरे भाई 24 रकातें पढ़ो, 28 पढ़ो, 32 पढ़ो, जितनी पढ़ना उतनी पढ़ो, नाम सहाबी के ऊपर झूठा इल्जाम न लगाओ। नहीं यार, हदीस से साबित है, ऐसा नहीं होता है। हदीस मौजूद है लेकिन उलमाए मुहद्दिसीन के जो उसूल है उन पे तमाम हदीसें ज़ईफ हैं। भाई हदीस तो ये भी मौजूद है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई हड्डी अगर आपको मिल जाए तो फातिया देके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या आप उसको मानोगे? उसको तो बरेलवी आलिम भी कहते हैं कि हाँ ये भाई ये मौजूद हदीस है, झूठी हदीस है। तो हदीसें बहुत गढ़ी गई है, लेकिन गढ़ी तो किसी ने लिखा होगा ना कि ये मौजूद है ये। अरे भाई मानिए, फॉर एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि हम हैं, हमने कोई मेरे भाई हदीस अल्लाह के नबी के ऊपर मतलब भाई वो मंसूब कर दी माशाल्लाह, और उसको हमने मतलब भाई कागज उतार के छपवा दिया उसको, तो कल को जो उलमा लोग होंगे जब उसको हदीस को देखेंगे तो वो कहेंगे ना नहीं इसका जो रावी अफू खान है ये तो नबी के जमाने में था नहीं, सहाबा से मुलाकात इसकी हो नहीं, तो ये कैसे बयान कर रहा है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इसका मतलब अफू खान झूठ बोल रहा है, जो ये रावी है भाई ये कज़्ज़ाब है, ये सब उसूल होते हैं ना। उसको असमा रिजाल कहा जाता है ना। हाँ तो मुहद्दिसीनी ने बताया है कि 20 रकात वाली जो तमाम हदीसें हैं जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर मतलब जो फिट की जाती है, मंसूब की जाती है, ये हदीसें ज़ईफ हैं। जो रावी ये कहता है कि हमने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाने पे जमा करते हुए देखा, वो रावी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के 2 साल बाद पैदा हो रहा है, और वो कह रहा है कि मैंने देखा उमर को ऐसा करते हुए, तो क्या उसकी हदीस मानी जाएगी? नहीं। तो ये सब आलिमों का काम है, मुहद्दिसीन का काम है कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी मौजू है। हम अपनी अक्ल से उसको थोड़ी ना कह देंगे कि हाँ ये ज़ईफ है, सही है, मौजू है। ठीक है, मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। मत मानिए भाई मेरी है, बात क्या है कि अगर आप आलिम होते, मुफ्ती होते तो मैं थोड़े देर के लिए मान लेता। मुफ्ती की बात ना मानिए, हम फिर आपको बता दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मुफ्ती आजकल अपनी डिग्री का फायदा उठा के अपने बाप दादाओं का दिन बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सही बता रहे हैं, कितनी बरेलवी आलिमों से हमारी बात हुई है, वो सब अपने बाप दादा का दिन बताते हैं। बाप दादा का दिन नहीं होता है, वो फॉलो करते हैं उस हिसाब से चलते हैं। हाँ, तो गलत दिन फॉलो कर रहे हैं ना। बरेलवी थे ना, लेकिन जमात 150 साल पहले आई है आपके पास। पहले हदीस जमात तब से है जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद है और उनको ही उस काम में पहले हदीस बताइए। कौन से सहाबा इकराम ने? अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे बाद तुम ही अहले हदीस हो। अहले हदीस का मतलब क्या है आप ये समझिए पहले। हदीस पे अमल करने वाला और क्या, बस। तो हदीस पे अमल सहाबा करते थे कि नहीं? कोई क्लेम नहीं करता था ना उस समय में। अरे क्लेम उस समय इतने फिरके कहाँ थे, उस समय कोई ठीक है क्या करना है? देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, सहाबा के दौर में ना ही अशरफ अली थानवी भाई वो पैदा हुए थे, ना ही अहमद रजा खान पैदा हुए थे, तो उस समय उनके मानने वाले जो अंधे मुकल्लिद थे वो थे नहीं, जो सहाबा से बहस करते कि बताओ तुम्हारा कौन सा मनहज है। तो सहाबा के टाइम पे सब लोग क्या थे, सारे लोग अहले सुन्नत थे, तो वो कहे के लिए बताएंगे कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तभी तो आदमी भाई अपना जो मनहज है बताएगा। बल्कि 1250 साल तक सब एक ही जमात के थे, किसी का कोई फिरका नहीं था, राइट? भाई देखिए 1250 साल के बाद लोग अपना अपना फिरका बनाना चालू किए। कासिम नानसवी ने बनाया देवबंदी, अहमद
और अहमद रजा खान नहीं, वो खिड़की बना दी। कहाँ बना, वो तो लोकेशन से तुम लोगों ने नाम रखना चालू कर दिया, देवबंदी और एलएसी। बाकी उसमें अच्छा लोकेशन से, और आपने जो मेरे भाई जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं, उनका उनका मोहम्मद हटा के उनके वहाब से मेरे भाई लोगों को जोड़ दिया वहाबी वहाबी, तो ये आप लोग का जायज है। फॉलो करते हैं ना, फॉलो करते हैं ना, किसको फॉलो करते हैं उनके, उनकी ये गलत चीजें हैं। हम उनको फॉलो नहीं करते, उनकी जो तालीम किताब सुन्नत से साबित है हम उसको मानते हैं। लेकिन वो खुद तो ईमान वाले नहीं थे ना, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उन्होंने शिर्क का फतवा दिया आदम अलैहि सलाम पे, उन्होंने शिर्क का फतवा दिया, फतवा दिया उन्होंने, किताब से साबित है। कौन सी किताब भाई? उनकी किताब थी ना, उसमें लिखा हुआ है वो, कौन सी याद नहीं किताब का नाम, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि वो भाई आदम अलैहि सलाम की जो मशहूर मारूफ भाई जो बुक है उसका नाम है किताब तौहीद। हाँ शायद उसी में रहेगा, लिखना पड़ेगा भाई। देखिए आदम अलैहि सलाम के ऊपर कोई शिर्क का फतवा लगा दे, वो दिया है, वो आपके समझने में फर्क होगा। मैं भेजता हूँ आपको, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भेज दूंगा, देख लेना इस पे। देखिए ये सब इंटरनेट वाले जो स्कैन है वो बहुत लोग भेजते रहते हैं। ओरिजिनल किताब ठीक है, ओरिजिनल किताब पे भेज दीजिएगा, देखेंगे हम भी। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि भाई जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है ठीक, हम उनको अपना इमाम नहीं मानते। आप किसी भी अहले सुन्नत से पूछेंगे, अहले हदीस से पूछेंगे कि भाई आपके मनहज का इमाम कौन है, जैसे हम हनफी हैं तो हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, कोई शाफई है तो उसके इमाम शाफई हैं, कोई मालिकी है तो उसके इमाम मालिक हैं, कोई हम्बली है तो उसके इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। आप लोग कौन है बिना इमाम के हैं? आपके सर पे के किसी का हाथ नहीं है? तो हमने स्टार्टिंग से कहा है 1450 साल से पहले आज तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इमामुल अंबिया है और हमारी मेरे भाई मनहज के इमाम है, तो हमारा इमाम सबसे बड़ा आला है। आला हजरत हमारे लिए कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इमामुल उम्मत कहाँ लिखा हुआ ये बताना मुझे ना। इमामुल अंबिया मैंने कहा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, अंबिया आपने कहा, मैं वो तस्लीम कर रहा हूँ, आपने यही कहा तो अंबिया के इमाम हुए, इमाम मुर्सलीन हुए, पैगंबरों के इमाम हुए, लेकिन इमामुल उम्मत कहाँ लिखा हुआ है? इमामुल उम्मत हाँ। अच्छा मतलब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इमाम मानते हो? है मानते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दिक्कत में कहाँ पर है, लिखा हर चीज थोड़ी ना होती है भाई। खैर जाने दो, वो मैं आपको कुरान की कितनी आयतें हैं, अतीउल्लाह और अतीउ रसूल, यानी कि अल्लाह को हमने अपना रब बनाया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर हैं, इमाम हैं। आप लोग पूरी पढ़ो ना आयत, अतीउल्लाह और अतीउ रसूल, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। अभी पढ़ा ना आपने, पहले तो चोरी कर ली थी। नहीं तो मैं अल्लाह तो बोल रहा हूं, नबी को इमाम के बारे में पूछ रहे थे ना, तो मैं उसकी दलील दूंगा ना। ऐसा नहीं होता, पूरा पढ़ने का, जब आयत पूरा पढ़ना तो पूरा इसके आगे का भी आपको बता दें कि अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में जो बड़े हैं हाकिम हैं उलिल अम्र हैं उनकी बात को मानो, लेकिन अगर उनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो वापस खुद से तफसीर करते हो, पलटा दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। नहीं जनाब, आप खुद से तफसीर कर दो क्या? बड़े हो कहाँ लिखा हुआ आयत में? कहीं नहीं लिखा बड़े हुए, इल्म वालों और इल्म वालों की इताअत करो। बड़े मतलब आपके चचा भी बड़े हैं, दादा भी बड़े हैं, पप्पा भी बड़े हैं, सब बड़े। देखिए किसी भी कॉल की तफसीर को अपनी अकल से आप समझेंगे तो ऐसी हालत होगी ना। मैं इल्म वाला माना दीन में बड़े हैं, इल्म में बड़े हैं, जैसे हमारे प्यारे सहाबा इकराम, हमारे ताबईन, हमारे तबईन, ये हमारे बड़े हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, यानी कि सहाबा का, ताबईन का और तबे ताबईन का, वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अभी आपको बताया था ना इल्म वालों की लिखा हुआ, उसमें खाली इल्म वाला तो सूरह अल अंबिया में है, सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। अहले जिक्र कौन? अहले इल्म, दीन। आपको जो चीज नहीं पता है वो आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ तो उसका कौन इनकार कर रहा है? हम तो पूछते हैं अहले इल्म से ना, प्रॉब्लम वही तो आती है क्या? अति अल्लाह बोल के आप लोग निकल जाते हो हमेशा भाई, इल्म वालों से भी हमको इताअत करना है ना। कुरान मजीद में 20 जगह अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल,
अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। एक आयत में कहा गया है अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ कि जो उलिल अम्र है उनकी बात को भी मानो, लेकिन हाँ। उसी आयत के आगे तंबीह भी कर दी गई कि अगर इनमें आपस में इख्तलाफ हो जाए तो बात को पलटा दो अल्लाह हाँ, और अल्लाह के रसूल की तरफ, अगर तुम आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो तो। बिल्कुल, अगर लगा हुआ है तो भाई ये बताइए, अगर चारों इमाम हैं, चारों अपनी अपनी मेरे भाई खींच रहे हैं, सौट रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कह रहा है हलाल है, कोई कह रहा है हराम है, कोई कह रहा है फला है, कोई कह रहा है फला है, तो मेरे आम आदमी तो परेशान हो जाएगा। मसले में है ये, इत्तेफाक अकीदे में नहीं है भाई। अकीदे में भी है नहीं यार, अकीदे अगर अकीदे में ना होता तो मेरे भाई हनफियों और शाफई की जंगें क्यों हुई, इतना खून खराबा क्यों हुआ, इतिहास आपको पता है? वो दीनी एतबार से नहीं हुई है, वो राजनीति एतबार से हुई है। हाँ, वो अलग है वो। तो ये बताइए जो फतावा आलमगीरी है हनफी, जो मेरे भाई जो एक तरीके की फिका है, उसमें उतरा हुआ है सफा नंबर 302 पे कि अगर कोई हनफियत को छोड़ के शाफई बन जाता है तो उस पर ताजीर लागू होगी, यानी कि पनिशमेंट उसको दी जाएगी। तो ये क्या मेरे भाई क्या राजनीति का मसला है फिका हनफी का? आपके हनफियों में राजनीति होती है शाफई के खिलाफ? नहीं, हम तो सारे इमाम को मानते हैं भाई। आप मानते हो ना, लेकिन आपके आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने एक दूसरे से खाली क्या किए, जंगे किए, इख्तलाफ किए हैं, नफरतें की हैं, और अगर कोई हनफी से शाफई बन जाए तो उसको दिए सजा, पनिशमेंट। ये खाली मेरे भाई जबानी बातें हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, चारों इमाम बरहक हैं, तो आप भाई अपनी मस्जिद में आज जाके बोल दीजिए कि आज से मैं शाफई हूँ, आज से मैं नाप के ऊपर हाथ बांधूंगा, रफुल दैन करूंगा, आमीन जोर से बोलूंगा। देखिए आपके आपके मस्जिद वाले आपको लात मार के ना भगा देगा तो आप कहिएगा। अगर हाथ ऊपर बांध के नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, होगी ना, तो मसाइल है वो अलग अलग ना, तो मसाइल है वो, उस पर इत्तेफाक नहीं है हमारा। मसाइल नहीं, आप इतना कहेंगे तो देखिए सारा अंधेरा आपका मिट जाएगा। आप इतना तो कहिए कि मैं आज से मैं हनफी छोड़ रहा हूँ, आज से मैं शाफई हो गया हूँ, उसके बाद देखिए फिर क्या होगा। हम किसी को मना नहीं करते यहाँ से हाथ हटा के नीचे करो, मना कर भी नहीं सकते ना मेरे भाई, क्योंकि हमको मानना है सबको। अल्लाह सुबहानु ताला फरमाता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकरा फिर दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जबरदस्ती किसी का हाथ वो नाप के ऊपर से नीचे उसके नहीं कर सकते, और ना हमारी इतनी हिम्मत है कि हम किसी के हाथों को नाप के नीचे से ऊपर खींच के ऊपर कर दें। अच्छा, लेकिन ये हनफियों की एक इतिहास रहा है कि जहाँ पे मेरे भाई जो पहले सुन्नत पहले हदीस उनकी तादाद अगर कम है तो उन्होंने जुल्म बहुत किए हैं। अगर कोई इमाम के पीछे सूरह फातिहा के बाद आमीन जोर से पढ़ दे तो उसको जबरदस्ती मेरे भैया मस्जिद से निकाल के फेंक देते हैं। अगर कोई अत्तयात में उंगली ऊपर नीचे करता है, उंगली उसकी काट देते हैं। दीन के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसको निकाल के फेंकेंगे नहीं क्या? अच्छा, मतलब माज अल्लाह आमीन को जोर से बोलना दीन के खिलाफ है? तो अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पीरों के पीर पिराने पीर ने अपनी किताब बुनियतुत तालबीन में कहा था कि जब इमाम कहते गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन तो पीछे वालों को आमीन जोर से बोलनी चाहिए, यानी कि माज अल्लाह आपके नजदीक गौसे पाक जो थे वो दीन से दूर थे, उनको नहीं पता था ये मसला। कौन सी किताब में लिखा गुंजे तक तालिबीन? यस, मुझे भेजेंगे आप इसके? अरे पूरा वीडियो बनाया है भाई, इसके ऊपर भेज देंगे आपको, ओरिजिनल किताब रख के इंशाल्लाह। और सही बुखारी की हदीस में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन तो तुम आमीन कहो, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है अल्लाह सुबहान तआला उसकी गुनाह माफ कर देता है। तो आमीन कहो, नबी कह रहे कहो, और हनफी लोग कह रहे आमीन अगर कहोगे तो साले मस्जिद से फेंक देंगे। हद है मेरे भाई, खुलेआम नबी की शान में मेरे भाई गुस्ताखी, खुलेआम नबी की बात को ना मानना, लेकिन दावे क्या है आशिक रसूल होने के? नहीं, अगर आप लोग सच्चे हो, आप लोग इतने हवाले से बात करते हो।